हेलो दोस्तों, राकेश यूपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम प्रयागराज से कानपुर के लिए सफ़र करने चल रहा हूँ। हमने जनरल टिकट ले लिया है, अब हम आपको जनरल डिब्बे की तरफ चल रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जनरल बोगी का सफ़र कैसे होता है। ये ट्रेन में हम देखिए यहाँ पर लोग लाइन लगा के आगे चढ़ रहे हैं। अब हम भी टिकट लेकर ट्रेन के बोगी के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, ये अंदर का व्यू हम ट्रेन का दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं तो कुछ बैठे हैं, कुछ भाई लोग लेटे हुए हैं तो सीट ही नहीं देते हैं। जो जहाँ पे बैठ जाता है फिर वहाँ से उठता ही नहीं है। प्रयागराज से ट्रेन अब चल दी है। ये प्लेटफार्म का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन अब धीमे धीमे तेज हो रही है। अब देखिए ट्रेन अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ रही है। हम आपको जनरल बोगी का अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे कि कितना कष्टदायक होता है। बच्चे महिलाएं अगर साथ में हैं तो मेरे हिसाब से ट्रेन में सफ़र करने लायक नहीं रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन हम जो जम्मू तवी एक्सप्रेस पे बैठे हुए हैं, ये प्रयागराज से कानपुर को जो जा रही है, इसमें तो भीड़ अभी कम है। लेकिन वापस आते समय हम आपको भीड़ दिखाएंगे कितना भीड़ होता है। अब जस्ट हम कानपुर पहुंचने वाले हैं। कानपुर जब पहुंच जाएंगे तो फिर वहां से शाम को वापस भी होना है हमको। ये देखिए पूरे रास्ते का भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम कानपुर पहुंच गए थे, वहां से हम वापस चल दिए हैं। तो हम जिस ट्रेन में हैं ये महाबोधि एक्सप्रेस है। अब ये देखिए जनरल बोगी का अंदर का व्यू, यहाँ देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। अब आप ही बताइए कि जिस व्यक्ति के पास पैसे या समय के अभाव के कारण जनरल टिकट लेके बैठता है, अगर उसके साथ में उसके परिवार बच्चे और महिलाएं हैं तो बहुत दुख भरा होता है। अब हम प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। ये प्रयागराज जंक्शन हम आ चुके हैं। सरकार को कोशिश करना चाहिए कि जनरल डिब्बे और लगाएं जिससे लोगों की आवागमन में दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी देने का मेरा तरीका पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को नमस्कार एवं धन्यवाद।